हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक आइडिया है। टोटल ऑफ ऑल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी, असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो अब हम सेकेंड लाइन के अंदर, यहाँ पर मैंने अलग अलग असेट्स के नाम लिखे हैं, लाइबिलिटीज़ के नाम लिखे हैं जो हमारी बिजनेस में धीरे धीरे क्रिएट होंगी। ठीक है, तो पहली लाइन में लिखेंगे असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ये आपके मेन हेडिंग है। दूसरी लाइन में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स आएंगी उसी हिसाब से आप असेट्स के नाम लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ के नाम लिखेंगे। ठीक है, तीसरी लाइन में आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर वन, स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया आपने तीन असेट्स के साथ, कैश, मशीनरी और स्टॉक। तीन असेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000, 2 लाख और 1,50,000, तीन असेट्स हैं, टोटल हुआ 4 लाख, तो कैपिटल हुई 4 लाख की। दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे खरीदे हैं गुड्स, तो 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं जिसको स्टॉक में ऐड कर दिया। अब क्योंकि क्रेडिट पे खरीदे हैं तो कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, लायबिलिटी क्रिएट हुई। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ के नीचे मैंने क्रेडिटर अकाउंट खोला और यहाँ लिखा 1 लाख, तो 1 लाख स्टॉक और 1 लाख क्रेडिटर। अब ये दो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट मैं लिखूंगी जिसको मैं बोलूँगी न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में मेरा कैश है 50,000, मशीनरी 2 लाख, स्टॉक हो गया पहले से बढ़ के 2.5 लाख, कैपिटल मेरी अनचेंज है 4 लाख और क्रेडिटर 1 लाख। ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख एट 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट पर हमने गुड्स बेचे हैं, तो मैंने स्टॉक माइनस किया 1 लाख का कॉस्ट प्राइस पर। इसको 30% प्रॉफिट पर हमने बेचा है तो हमारा सेलिंग प्राइस 1,30,000 हुआ, और ये कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश इनफ्लो दिखाया मैंने 1,30,000 का। इस ट्रांजैक्शन में 30,000 का फ़ायदा हुआ जिसको मैंने कैपिटल में ऐड किया। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर के अंदर हम प्रॉफिट कैपिटल में डायरेक्टली ऐड करेंगे। अब इनका कंबाइन इफेक्ट देखिए, 50,000 कैश जमा 1,30, अब हो गया कैश 1,80,000, मशीनरी अनचेंज्ड, स्टॉक पहले से घट के 1,50,000 रह गया, कैपिटल पहले से बढ़ के 4,30,000 हो गई। अब अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख एट 35% प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। आपकी बार फिर से गुड्स बेचे हैं, आपकी बार प्रॉफिट रेट 35% है और हमने क्रेडिट पर बेचा है, तो गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे माइनस किया है, स्टॉक को फिर से माइनस 1 लाख किया है, और इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, प्रॉफिट 35,000 का हुआ है। तो पहले तो देखो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया, और 1,35,000 जो कि आने थे लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हमने एक करंट असेट क्रिएट किया है 1,35,000 की, जिसको हम डेटर कह रहे हैं, तो डेटर अकाउंट खुल गया। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होती तो ये 1,35 यहाँ कैश में ऐड हो जाता, लेकिन कैश नहीं आया, नया असेट क्रिएट हो गया, डेटर 1,35,000। तो मैंने दोनों ट्रांजेक्शन लिए, ये कैश सेल की ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट सेल, आप समझ सकते हैं। अगली फिर मैंने कंबाइन इफेक्ट लिखा है, कैश अनचेंज्ड 180, 2 लाख मशीनरी, स्टॉक बचकर 50,000 रह गया, डेटर क्रिएट हो गया 1,35, और कैपिटल मेरा बढ़ गया है प्रॉफिट की वजह से 4,65,000 हो गया, और क्रेडिटर मेरा 1 लाख है। अभी है सैलरी पेड और आउटस्टैंडिंग सैलरी, दो ट्रांजेक्शन एक साथ लिए हैं। सैलरी पे की है 25,000, तो -25 कैश में से गया, बाय डिफॉल्ट सारे खर्चे कैश से होते हैं जब तक कि उसमें कुछ लिखा ना हो क्वेश्चन में, और ये खर्चा है ये भी कैपिटल में से माइनस होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में से। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग ईयर दे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, -25 किया। इस क्वेश्चन में -5,000 मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी यहाँ से माइनस किया है, क्योंकि सारे खर्चे अक्रूअल प्रिंसिपल की वजह से जो इस अकाउंटिंग ईयर से जुड़े हुए हैं वो कैपिटल में से माइनस होंगे। तो 25,000 जो सैलरी पे की है वो माइनस हुआ, 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पे नहीं किया वो भी माइनस हुआ, तो टोटल पूरे 30,000 माइनस हुआ। अब 5,000 ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है एक्चुअली में हमारी करंट लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ये देखिए एक नया हेडिंग लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये आ गया 5,000। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए नया अकाउंट क्रिएट हो गया और जो 25 पे किया था कैश में से माइनस कर दिया, तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, 1,80 में से 25 गए, 1,55 कैश बचा, सब कुछ अनचेंज्ड चल रहा है। और यहाँ पे हमारी कैपिटल जो है इसमें से माइनस हो गया ये 30,000, तो अभी 4,35,000 रह गया कैश और नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है।
न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद अगला है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. आपकी बार डेटर से हमने रिसीव किया है 1,00,000 रुपए, तो कैश देखो हमारा 1,00,000 बढ़ गया, असेट आ गई, इनफ्लो हो गया, और डेटर घट गया 1,00,000. ये देखिए डेटर लिखा हुआ है क्योंकि डेटर से पैसा मिल गया, तो 1,35 में से 1,00,000 हमने घटा दिया, उनसे मिल गया, और 1,00,000 कैश में ऐड कर दिया. ठीक है, लाइबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं है, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन, कैश इंक्रीज हो गया 1,55 से 2,55 हो गया, मशीनरी स्टॉक अनचेंज हो गया, डेटर 1,35 से 1,00,000 घटा 35,000 रह गया, लाइबिलिटी अनचेंज्ड. पेड टू क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर हम भी पेमेंट कर रहे हैं, 80,000 की पेमेंट की कैश में से माइनस हो गया 80, आ जाओ क्रेडिटर में से भी माइनस हो गया माइनस 80, तो अब न्यू इक्वेशन में क्रेडिटर कितने रह गए 20,000 रह गए, 80 की पेमेंट कर दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज इट इज, कैपिटल एज इट इज, डेटर एज इट इज, सारे आइटम यहाँ एज इट इज, हमारा यहाँ कैश घट गया 2,55 में से 80 गया 1,75 रह गया. नई इक्वेशन रिसीव्ड कमीशन एंड एक्रूड कमीशन, दो इक्वेशन एक साथ लिए, दो ट्रांजैक्शन, कमीशन मिली 15,000, तो 15,000 देखिए कैश मैंने ऐड किया, इनफ्लो हो गया कैश का, और क्योंकि इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर दिया. एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर विल बी एडेड टू कैपिटल. पर अब 5,000 मेरी एक्रूड कमीशन है, मैंने वो भी यहाँ ऐड कर दिया. एक्रूड कमीशन का मीनिंग है कमीशन इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. 15,000 कमीशन रिसीव की वो ऐड किया कैपिटल, 5,000 जो कमीशन रिसीव नहीं की वो भी ऐड किया, क्योंकि दोनों की दोनों कमीशन इसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, ये अक्रूअल प्रिंसिपल होता है. अब एक्रूड कमीशन क्योंकि मिला नहीं है तो एक नई करंट असेट इन क्रिएट किए, देखिए एक्रूड कमीशन ऐड किया, नया आइटम बना और यहाँ लिखा 5,000, तो आपको समझ आ गया. ठीक है, जो कमीशन रिसीव की 15,000 कैश में ऐड किया, 15,000 कैपिटल में ऐड किया, 5,000 कमीशन जो नहीं मिली एक्रूड कमीशन से एक नया करंट असेट अकाउंट बनाया और उसको कैपिटल में ऐड किया. ये चीज़ें लर्न करनी होंगी आपको. नई अकाउंटिंग इक्वेशन फाइनल इफेक्ट लिख दिया, 1,75 जमा 15, 1,90,000 कैश हो गया, मशीनरी स्टॉक अनचेंज, डेटर अनचेंज, नया असेट बन गया 5,000 एक्रूड कमीशन, कैपिटल का अमाउंट चेंज हो गया 4,55 हो गया, और क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग सैलरी अनचेंज. लास्ट की ट्रांजैक्शन में मैंने चार ट्रांजैक्शन एक साथ लिए हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ठीक है, और जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और डेप्रिसिएशन, ये दोनों लॉसेज हैं, ये दोनों लॉसेज हैं, तो दोनों के दोनों कैपिटल में से माइनस होंगे. सबसे पहले देखिए -10,000 -20,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 10,000, तो 10,000 की लॉस को मैंने स्टॉक में से माइनस किया, 50,000 के गुड्स बचे हुए थे, 10,000 जल के खाक हो गए, लॉस हो गया, तो स्टॉक माइनस होगा. और डेप्रिसिएशन क्योंकि फिक्स एसेट पे लगता है, तो मशीनरी है ये रही, मशीनरी 2,00,000 की, और इसके ऊपर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया -20,000, तो दोनों यहाँ पर माइनस हो गए. अब आखिरी के दो खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस बिजनेस मैन को देता है. ठीक है, तो बिजनेस मैन के लिए इनकम हुई तो +5,000 हो गया कैपिटल में, और बिजनेस के लिए ये खर्चा है एट द सेम टाइम, तो माइनस कर दिया. तो आप देखोगे 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड भी किया है, माइनस भी किया है. ऐड किया है ओनर के व्यू पॉइंट से इनकम है, माइनस किया बिजनेस के व्यू पॉइंट से खर्चा है. सेम लॉजिक अप्लाई होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस बिजनेस मैन से चार्ज करता है, तो बिजनेस मैन से चार्ज किया तो बिजनेस की कैपिटल कम हो गई -3,000, और बिजनेस के लिए इनकम हो गई तो +3,000 हो गया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी एक बार माइनस हुआ, एक बार ऐड हुआ. कुल मिला के इफेक्ट कुछ भी नहीं आता, लेकिन लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. तो इस तरीके से जो है, अब ये फाइनल इक्वेशन हमारी आ रही है, इसमें 1,90,000 कैश है, मशीनरी बची 1,80,000 की, और स्टॉक बचा है 40,000 का, डेटर 35,000 है, एक्रूड कमीशन 5,000 है, और कैपिटल 4,25 है, और क्रेडिटर 20,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 है. सारी लाइबिलिटी साइड का टोटल किया 4,50,000 आया, सारी असेट्स का टोटल किया 4,50,000 आया. तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया कि द टोटल ऑफ ऑल असेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा. थैंक यू.